देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अहमदनगर के जिला कारागार में साइबन इन मधुबन गीता पाठशाला के द्वारा 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन ध्यान शिविर लगाया गया, जिसमें गीता पाठशाला के निदेशक बीकी डॉक्टर सुधा कांकरिया ने कई विषयों पर कैदियों को जानकारी दी तो कारागार के अधीक्षक पेट्रस गायकवाड़ ने संस्था के प्रयासों को सराहा। पूरे कारागार के बंदियों ने ध्यान धारणा और योगा किया हुआ है, इसका उनके मन के ऊपर काफ़ी अच्छा परिणाम हुआ है कि हमेशा बंदियों को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ समाज ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन इस कारणवश हमारे ध्यान में ये बात आई है कि ध्यान धारणा और शारीरिक और मानसिक उनका जो ध्यान बढ़ाने की कोशिश, तो उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम बंदियों के ऊपर हुआ है। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की थीम भी है योगा फॉर ह्यूमिलिटी, मानवता के लिए योग करना है, और इसी को लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आसन, प्राणायाम, प्रार्थना, मेडिटेशन वगैरह सभी प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस दौरान योग शिक्षक रंगराव भामरे द्वारा योग आसन आदि कराए गए।